नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अवोगैड्रोस लॉ। ओके, अब जैसे आपको पता है कि हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस में चार लॉ तो हमने देख ही लिए थे, जिसके अंदर हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, एज वेल एज द गे लुजेक्स लॉ। ठीक है, तो इन चार लॉ जो है वो लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। अब ये जो रहेगा वो एवोगैड्रो लॉ। तो आप कहेंगे कि मैम इसको भी उसमें निपटा देते, क्या फ़र्क पड़ता? अब इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको अलग सेगमेंट में लिया हुआ है। बेसिकली ये पहले लॉ नहीं था, ये था हाइपोथेसिस। मतलब ये बेटा कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एवोगैड्रो ने, ठीक है, लॉ बहुत बाद बनाया। पहले उसने कुछ बातें रखी और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तब जाके उनके जो स्टेटमेंट्स को हमने लॉ करार दिया। तो वो क्या था, तो पहले इसकी कहानी हम सुनते हैं। अब इस कहानी में जो पहले पहले मुख्य किरदार हैं वो हैं डेल्टन। अब डेल्टन जी के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, क्लास 9th में हमने देखा था अबाउट द डेल्टनस एटॉमिक थियरी, याद आई? जिसमें उन्होंने हमें कुछ थियरीज दिए थे, लाइक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग एटम का नाम कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, अब ये यहाँ से थोड़ा सा इनका डेल्टन जी का स्टार्ट हो जाता है स्टेटमेंट, जो अभी के लिए ज़रूरी है। वैसे तो उन्होंने कुछ 5-6 स्टेटमेंट्स दिए थे, बट जो मेन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो डेल्टन जी के हिसाब से क्या था कि एलिमेंट्स, ओके, या तो फिर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो होंगे वो बनेंगे, ओके, कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग, ठीक है। किसको हम कंबाइन करेंगे? बाय कंबाइनिंग होल या स्मॉल होल नंबर्स, ओके, स्मॉल होल नंबर्स रेशियो बाय एटम्स, ओके। इसका मतलब देखो, वो सिंपल सी बात है, हम जैसे बात करते हैं H2O, ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है और एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। अगर हम बात करते हैं CuSO4, तो Cu जो है वो एक एटम से मिलके बना है, S एक एटम से मिलके बना है और ऑक्सीजन चार एटम से मिलके हमको एक कंपाउंड मिला। बात समझ आई? ठीक है, अब कहीं पे भी आपको है ना, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री याद कर लो, आपको कहीं पे भी 2.5, 1.75, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि NH3.5, ऐसा नहीं है, ठीक है। NH3 होता है जिसके अंदर एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन के, ओके। तो ये वाला स्टेटमेंट जो था वो डेल्टन जी ने बोला था कि भाई जितने भी एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे वो जब बनेंगे, ठीक है, तो वो जो एटम्स होंगे वो स्मॉल होल रेशियो के कॉम्बिनेशन में बनेंगे, मतलब आधा पौना कुछ नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने जब लास्ट टाइम गे लुजेक्स की बात की थी, उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। अब गे लुजेक्स जी का कहना ऐसा है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट याद हो तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने ऐसा कहा कि जो गैसेस है, देखो डेल्टन जी ने जो भी बात की थी वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात की थी, वो कंपाउंड्स में गैसेस भी आ गए, सॉलिड भी आ गए, लिक्विड भी आ गए, ठीक है, तो वो उन्होंने कोई स्पेसिफाई किया नहीं था। फिर जब गे लुजेक्स जी आए थे, ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जितने भी गैसेस हैं, ओके, जितने भी गैसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी, ओके, अगेन इन द स्मॉल होल रेशियो, होल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर में लास्ट टाइम बात की थी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी गैस कंबाइन होगा, जैसे कि अगर बात करते हैं HCl, ठीक है, हम बात करेंगे HCl की, तो इसका मतलब यह है कि H जो है वो 1 वॉल्यूम होगा, Cl का 1 वॉल्यूम मिलाकर हमें HCl का 1 वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ओके, बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरिन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। तो ये भी कैसा हुआ, ये रेशियो कैसा हुआ, ये रेशियो 1:1:2 हुआ ना, मतलब कि अगेन ये स्मॉल होल रेशियो में आ गया। डेल्टन जी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं स्मॉल होल रेशियो एटम के बेसिस पर, गे लुजेक्स जी जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग इसको बात करेंगे रिगार्डिंग द वॉल्यूम के बेसिस पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे इंसान आ गए, कौन आ गए भाई, बर्जिलियस जी आ गए, ठीक है। अब बर्जिलियस जी क्या कह रहे हैं, तो बर्जिलियस जी का कहना ये था कि यार तुम लोग कहाँ अलग अलग चीज़ कह रहे हो,
मजलिस जी कह रहे कि कहाँ डेल्टन के अलग से थियरी याद करें, ठीक है, और गे लुसेक्स का अलग से, डेल्टन की थियरी सबके ऊपर एप्लीकेबल है, गे लुसेक्स जी सिर्फ गैस की बात करते हैं। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों थियरीज को कंबाइन करके हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं। बोला ठीक है। तो मजलिस जी कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देना क्या कह रहे हैं वो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगेन ये बात कर रहे हैं गैसेस की अकॉर्डिंग टू द गे लुसेक्स लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ये कंडीशन रहती है, ओके, कंबाइंस कंबाइंस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, कंबाइंस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सुनना बात को क्या है, बर्जीलियस जी ने डेल्टन जी की थियरी और गेलुसेक जी की थियरी को कंबाइन किया। अब मैं दोबारा पीछे देखते हैं, देखो ध्यान से बच्चों, ये थोड़ी कहानी समझ जाओगे ना तो फिर आपको एवोगैड्रो कहाँ से आया वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो डेल्टन जी क्या कह रहे हैं हमें, डेल्टन जी ये कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो आपस में तभी बनेंगे जब एटम्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो तभी बनेंगे जब एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे इन द स्मॉल होल रेशियो। ठीक है, NH3 तो एक एटम नाइट्रोजन और तीन एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो इसका मतलब ये है कि O2 गैस, तो दो एटम हाइड्रोजन के, सॉरी दो एटम ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो दो एटम हाइड्रोजन के, बात समझ में आई। ठीक है, तो वो एटम्स के बेस से बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर गे लुसेक जी किस बारे में बात कर रहे हैं, गे लुसेक जी से गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब वो कंबाइन होंगे तो वो स्मॉल होल रेशियो के नंबर से कंबाइन होंगे इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। तो जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्लोरीन गैस टू गिव HCl, तो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कम्बाइंस विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स टू वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि बर्जीलियस जी इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब कि बर्जीलियस यहाँ पे बात करेंगे गैस के बारे में वॉल्यूम को लेकर, क्योंकि गे लुसेक जी ने हमें वॉल्यूम की बात की है, ठीक है, गे लुसेक जी ने हमें यहाँ पे वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम के अंदर वो एटम्स को मर्ज कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अगर आप लेते हैं अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर कम्बाइंस विद द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एक एग्जाम्पल ले लेते, आपको सीधा समझ में आएगा। बच्चों को समझते हैं बर्जीलियस जी क्या कह रहे हैं। अब बर्जीलियस जी क्या कह रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये कहते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, ओके फाइन। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन के अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, गे लुसेक्स के साथ हमें वॉल्यूम को कंसिडर करना है, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरिन, ठीक है, गिव्स, अब अगर मैं इसको नॉर्मल लिखूं तो कितना हो जाएगा, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन वन वॉल्यूम क्लोरिन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कितना आ जाएगा मेरे पास, टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइंड, तो मैंने हाइड्रोजन का वन वॉल्यूम लिया, क्लोरीन का वन वॉल्यूम लिया, वो कंबाइन किया मैंने, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। अब कितना एटम है मुझे नहीं पता, तो मैं भी इसको एन एटम समझ के चलती हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर कितना है, एन एटम्स कंबाइन, एन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ एन एटम्स ऑफ क्लोरिन, ओके, गिव्स आगे क्या है टू, ओके, तो टू एन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंपल, ओके। अब इस एन एटम को अगर मैं एक एटम मानूँ, मैं एन की जगह वन ले लूँ, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वन एटम ऑफ क्लोरिन गिव्स टू एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। बात पता चल रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से इसको लेती जा रही हूँ। ठीक है, नाउ अब ये जो मेरे पास रहा ये कंपाउंड के फॉर्म में है, तो मुझे दो मिल रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे दो एटम की जगह एक एटम चाहिए तो हाफ ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे दो एटम की जगह कंपाउंड में मुझे दो एटम नहीं, मुझे एक ही एटम चाहिए। तो अब अगर मुझे यहाँ पे टू एटम की जगह मैं यहाँ पे वन एटम लिखूँ, तो मतलब मैंने इसको आधा कर दिया, तो जो क्लोरीन का वन एटम है वो कितना हो जाएगा, हाफ एटम, और हाइड्रोजन का वन एटम है वो क्या हो जाएगा, हाफ एटम।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाफ एटम ऑफ क्लोरीन गिव्स वन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। बट द तेरे की ये तो चीज बनती नहीं है ना, क्यों? देखो याद करो, ये बर्जिलियस अगर ये कह रहे हैं ना, तो वो पूरा का पूरा डेल्टन की थियोरी को रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। और उस टाइम पे भैया डेल्टन जी जो थे वो बहुत हाई स्टेटस के इंसान थे, ठीक है। उस टाइम पे डेल्टन जी की थियोरी को रॉन्ग प्रूव कर दो, वो चीज़ तो आती ही नहीं थी। तो अब हुआ क्या, देखो अगर आप फिर से ध्यान दो तो डेल्टन की स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स और कंबाइंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ, सॉरी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे बाय द स्मॉल होल नंबर्स बाय एटम्स, होल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हम एटम में क्या ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ले लिया। तो यहीं के यहीं डेल्टन की थ्योरी जो है वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि एटम को हम लोग, डेल्टन ने क्या कहा था, दैट एटम इज इनडिविजिबल, आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो। जब डिवाइड नहीं कर सकते हो तो आधा एटम कहाँ से लोगे, ठीक है। ये आपके पास पेन है, मैं बोलूँ इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आप इसको तोड़ भी तो नहीं सकते, लाइक डिवाइड में आप तोड़ नहीं सकते हो। मैं इसको बोलूँ कि यू कैन डिवाइड इट, तो आप इसको तोड़ करके आधा आधा बोल दो, ठीक है। बट अगर मैं कहूँगी इट इज इनडिविजिबल, मतलब कि तो ये एक ही है ना, इसमें हाफ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे बर्जिलियस की थियरी गलत हो जा रही है, ठीक है। तो बर्जिलियस ने जैसे कहा कि गैलोसेक जी को कहा कि भाई आप शांति करो, मैं काम करता हूँ, डेल्टन जी और आपकी थियरी को मिक्स करके एक मस्त थियरी बना देता हूँ जो सबके ऊपर वैलिड होगी। वो जनाब ने बनाई तो सही, ठीक है, बट आधी चीज़ गलत हो गई। वॉल्यूम्स के टर्म पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देख लो बेटा, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरिन, ओके, गिव्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत तब आती है जब इस वॉल्यूम को हम लोग एटम्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वन वॉल्यूम की जगह मैं कह रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ एटम्स है, लेट्स से एन एटम्स हैं, और फिर मैं कह रही हूँ कि चलो मान लेते हैं एन की जगह एक ही एटम है, ठीक है, ज़्यादा एटम नहीं, एक ही एटम है। तो फिर जब मुझे कंपाउंड की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज करना पड़ जाए, तो मेरे एटम्स जो है वो डेसिमल और फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जा रहे हैं, जो डेल्टन की थियरी के साथ मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो गई गड़बड़, ठीक है, बर्जिलियस की थियरी यहाँ पे हुई गलत। यहाँ से फिर आए हमारे पास नए इंसान, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो जी ने हमें एक्चुअली दिया था ये हाइपोथेसिस, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया था विच कैन बी प्रूवन रॉन्ग और ट्रू, डिपेंड करता है, वो आगे उनकी थियोरी को लेके चलेंगे। बट ये था कि उनकी थियोरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट थी, क्योंकि उस थियोरी के अंदर डेल्टन जी के सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो वेरीफाइड हो रहे थे। इसके हिसाब से बाद में जाकर एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस, उसको हमने एवोगैड्रोस लॉ के नाम से, तो आपके पास अभी बुक अगर होगी तो उसमें लिखा होगा एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है वो देखते हैं हम लोग। नाउ एवोगैड्रो लॉ या हाइपोथेसिस क्या कह रहे हैं एवोगैड्रो, तो ये लॉ जो है वो दिया गया था बाय द एमिडियो एवोगैड्रो इन 1811। ये क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से बच्चा, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं वो मैंने इसलिए मैं आपको पूरी कहानी बताई। तो इन्होंने ये कहा कि अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बर्जिलियस की ही थियोरी ली, बट बर्जिलियस ने क्या कहा था, देखो पीछे बर्जिलियस ने क्या कहा था, आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंबाइंस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, उन्होंने किसकी बात की थी, एटम्स की। और एवोगैड्रो किसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की। द तेरी की डिफरेंस क्या हुआ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अंदर, मैं तो समझ नहीं आया। तो एवोगैड्रो ने कहा कि सुनो भैया, पहले तो आप ना अपने दिमाग में एटम और मॉलिक्यूल को लेकर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब जाके हम लोग गैलोसेक जी की थियरी और डेल्टन्स की थियरी को मर्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि सुनो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब कि H2, ओके, एक गैस होता है ना, तो देख कंपाउंड को, मतलब कंपाउंड का जो छोटा हिस्सा होगा उसको मॉलिक्यूल कहोगे, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। तो भाई आपके पास क्या है, हाइड्रोजन गैस आया, हाइड्रोजन के आगे कोई नंबर है नहीं है, वन है, तो ये वन मॉलिक्यूल होगा। अब मेरे को बताओ, ठीक है, एवोगैड्रो ने बोला मेरे को बताओ कि ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कितने एटम से मिलके बना है, बोला दो एटम से मिलके बना है, बात समझ आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल जो है वो एक और एक से ज्यादा एटम से मिलके बनता है, उन्होंने ये चीज क्लियर की,
ठीक है, क्या किया क्या किया, जैसे समझो उन्होंने ये बोला कि एक मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल जो है वो एक और एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है। तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे एम्फसाइज कीजिए, ना कि एटम्स पे एम्फसाइज कीजिए। तो उन्होंने बोला भाई आप हमको एग्जाम्पल देके समझाओ, हमें यूँ तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके भी दिमाग में वही चीज़ आएगी कि मैम यार एग्जाम्पल दे दो प्लीज़। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोगों की बुद्धि ज़्यादा अच्छे से चलती है। तो कोई नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो वही HCl वाला एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई हाइड्रोजन कंबाइंड्स विथ क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना? ओके, अब हम कह रहे हैं कि वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड्स विथ वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। जो बर्जिलियस ने बोला उसी को ही मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग एन मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं। बर्जिलियस ने क्या कंसिडर किया था? एन एटम्स किया था। ये क्या बोल रहा है, हम एन वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब कि एन मॉलिक्यूल्स कंटेन वन वॉल्यूम। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल से नहीं पता, बट एक वॉल्यूम में एन मॉलिक्यूल समझ के चलते हैं। यहाँ पर भी n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? अब बोला कि ठीक है, अभी तुमने जैसे मेरे एटम को डिवाइड किया, इसको भी करो। हमें यहाँ पे 2n मॉलिक्यूल्स की जगह अगर हमें सिर्फ n मॉलिक्यूल्स चाहिए तो क्या करोगे? बोला ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यहाँ पे 2n की जगह मुझे n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए, मतलब डिवाइड बाय टू कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ एन बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब एन बाय टू, ठीक है, अगर हम इसको एन को वन मानते हैं, अगर हम एन को वन माने, तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं बेटा कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। मैम हाफ मॉलिक्यूल है, देखो डेल्टन जी ने हमें एटम के बारे में कहा था कि एटम जो है ना वो कंबाइन होगा स्मॉल होल रेशियो में, मॉलिक्यूल के लिए नहीं बताया था। तो मॉलिक्यूल में हम हाफ ले सकते हैं, मतलब कैसे? अब अगर मैं इसका केमिकल प्रेजेंटेशन लिखूं बेटा, तो वो ऐसे कहलाएगा। देखो क्या कहलाएगा, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइन। ठीक है, अब ये जो है इस H2 को मैंने अभी बताया, ये H2 क्या है बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ओके गिव्स, ठीक है, गिव्स क्या हो जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि हमें इसका हाफ हाफ करना है, तो आइए करते हैं। तो अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि, फिर से लिख देती हूँ मैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको वन मॉलिक्यूल को, ठीक है, वन मॉलिक्यूल गिव्स टू मॉलिक्यूल, वो कह रहा है कि इसको हाफ हाफ कर दो। ठीक है, कर देते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको हाफ करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू मॉलिक्यूल प्लस वन बाय टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गिव्स वन बाय टू, मतलब कि टू बाय टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर आप लिखो यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ क्लोरीन, देखो ये वन की जगह मैं क्या लिख दे रही हूँ, हाफ वन बाय टू, जैसे आप लोग कह रहे हो मैं वैसे ही कर रही हूँ। ठीक है, ये भी वन की जगह क्या लिख दिया मैंने, हाफ लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू के साथ भी मैं क्या कर लूँ, हाफ मल्टीप्लाई कर दूँ HCl, ये कैंसिल हो गया हाइड्रोजन, ये कैंसिल हो गया क्लोरीन, ये कैंसिल हो गया HCl। मतलब देखो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है वो दो एटम से मिलके बनता है। तो अगर आप यहाँ पे, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम, तो अगर आप हाफ मॉलिक्यूल कर लो, तो दो हाइड्रोजन एटम की जगह एक हाइड्रोजन एटम आ गया, एक आया ना एटम, हाफ तो नहीं गया ना।
ठीक है, एक आया ना एटम, तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स टू एटम्स, सो देयर फोर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स वन एटम। ठीक है, तो डेल्टन के हिसाब से थ्योरी प्रूव हो गई, क्योंकि डेल्टन ने कहा था कि भाई एटम कभी भी हाफ पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, वो जो भी होगा वो होल नंबर में होगा, तो ये आ गया हमारे पास होल नंबर। सिमिलरली वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस कंटेन सीएल टू, तो हाफ में क्या हो जाएगा, सीएल हो गया। ठीक है, एच सी एल दो मोल्स हैं, तो हाफ में गया तो एक मोल आ गया, मतलब कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से एक एटम आ गया, बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो गैलोसेक जी का जो फॉर्म था कि मॉलिक्यूल्स, सॉरी गैलोसेक जी जो कह रहे थे कि वॉल्यूम्स के थ्रू कंबाइन किया, तुमने वॉल्यूम के थ्रू कंबाइन किया, और जो डेल्टन जी का था कि भाई एटम्स कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकते, यहाँ पे एटम डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो बर्जीलियस की और एवोगैड्रो की थियोरी में इतना ही डिफरेंस है कि बर्जीलियस जो थे वो एटम्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से अगर हम लोग क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो एटम हाफ नंबर में आ जाता था, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एवोगैड्रो जी ने कहा कि भाई एटम नहीं, मॉलिक्यूल पे फोकस करो। ठीक है, मॉलिक्यूल अगर हाफ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक मॉलिक्यूल जो है वो एक और एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है, तो एटम्स का कभी भी हाफ लाइक 3.4 ना ऐसे कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आएगा, जो भी आएगा वो होल नंबर में ही आएगा, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया। हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं सो दैट अगर कोई डाउट हो चुका हो तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, अब यहाँ पे बर्जीलियस जी को भूल जाना, ठीक है, अभी सिर्फ एवोगैड्रो के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर वेपर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। अगर आप लोग इसका नॉर्मल कंडीशन लिख दो तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गैस गिव्स H2O वाटर वेपर। ठीक है, ओके, अब बैलेंस करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। ठीक है, आगे भी आएगा, अभी इसकी अभी मैं उस बैलेंसिंग के फॉर्म में नहीं बात कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कि भाई अगर आपने एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लिया है, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस लिया है, दोनों को ज्वाइन करोगे तो 2 वॉल्यूम ही बन जाएगा ना। समझो कि आपने एक ढक्कन जो है वो आपने पानी ले लिया, ठीक है, और एक ढक्कन जो है वो आपने समझो कि कोई और शरबत ले लिया, तो दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो 2 वॉल्यूम तो बन ही जाएंगे ग्लास के अंदर। तो सिंपल हम वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या माने, एन मॉलिक्यूल्स माने, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। ये जो हमने वॉल्यूम की बात की वो हमने गे लुसेक जी के हिसाब से बात की, और ये जो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ये एवोगैड्रो के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके से बात कर रहे हैं हम लोग, एवोगैड्रो जी के हिसाब से बात कर रहे हैं, ओके। नाउ अब जैसे हमें यहाँ पे 2n की जगह सिंगल n चाहिए, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे लिख दें कि सबको हाफ हाफ कर दें, तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, तो यहाँ पे n बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ n बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब ये n को हम अगर 1 मानते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि हमने n को यहाँ पे 1 सपोज कर लिया था इसके लिए। ठीक है, ओके, अब अगर हम लोग इसको हमारे कंपाउंड के साथ लिखें, ठीक है, तो ये क्या है, H2 के आगे मैंने क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया, O2 क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया, ठीक है, और क्या है यहाँ पे
2H2O क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया, तो ये हाफ हाफ वन टू टू कैंसिल, तो हाइड्रोजन हाफ हाफ कैंसिल, ऑक्सीजन हाफ हाफ कैंसिल, क्या हो जा रहा है H2O आ गया। अब इसका मतलब कि वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू, ठीक है, वन मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम एटम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपाउंड बन गया, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक यहाँ पर कंप्लीट मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को हाफ नहीं किया, मतलब कि यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है एक एटम ऑक्सीजन के साथ, हम ये नहीं बोले कि हाफ एटम। तो जो बर्जीलियस जी हाफ एटम की बात कह रहे थे वो वाला जो है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। तो ये जो एटम के बारे में अपन एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टन जी की थ्योरी जो थी वो भी परफेक्टली फिट बैठ रही थी, ठीक है। तो गैलोसेक जी का फॉर्म जो था गैसेस को लेके कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर कंबाइंस गिव्स द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन द स्मॉल होल रेशियोज। तो गैलोसेक जी के हिसाब से गैसेस हो गए, ठीक है, डेल्टन जी के हिसाब से एटम की थ्योरी प्रूव हो गई, और एवोगाड्रो जी ने जो कहा था कि हम लोग मॉलिक्यूल में से एटम को डिराइव करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल से जो एटम का डेरिवेशन है वो भी क्लियर हो जाता है। ये एक या दो नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल किया गया, और ये हर जगह पे बहुत परफेक्टली फिट हो रहा था, कहीं पे कोई फ्लॉज नहीं आ रहे थे। इसके लिए बाद में जाकर इस एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को हम लोगों ने एवोगाड्रो लॉ का नाम दे दिया। लॉ अभी मतलब कि ये लाइक जनहित में जा रही, ठीक है, हर जगह पे ये एप्लीकेबल रहेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया कि एवोगाड्रो की कहानी आई कहाँ से। देखो मैं चाहती तो आपको सीधा सीधा बोल देती कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है, बट मुझे तो कहानी समझोगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ से एवोगाड्रो जी आए। सो जैसे आपको यहाँ पे एवोगाड्रो जी का क्या बोला, दैट द बलून्स ऑल हैव द सेम वॉल्यूम, ठीक है, अब बलून्स ऑल हैव द सेम वॉल्यूम, तो साइज है बलून जिनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, लाइक यहाँ पे भी वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो दे कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इन सब के अंदर n मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये उनका फाइनल स्टेटमेंट था। ये रहे हमारे एवोगाड्रो जी। बात समझ आई बच्चा, क्लियर हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो फटाफट से एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो एवोगाड्रो जी का निर्माण हुआ कहाँ से, ठीक है, तो जैसे हमने बात की अभी कि सबसे पहले डेल्टन जी, ठीक है, डेल्टन जी ने हमें ये कहा कि जो भी कंपाउंड होगा, ठीक है, या एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, वो मान के चलते हैं अपन कि जो भी कंपाउंड होगा वो एटम से मिलके बनेगा, और एटम्स कैसे होंगे भैया, तो एटम्स होंगे स्मॉल होल रेशियो में होंगे, ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि एटम जो है वो तो इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। देखो ये उस टाइम की थ्योरी की बात है, एटम को डिवाइड कर सकते हैं हमें पता है, अभी के फॉर्म में हमें पता है क्योंकि हम लोग बहुत सारी थ्योरीज रीड करके आए हुए हैं, बट आप लाइक 1804 के हिसाब से बात करो, 1804 से लेकर 1811 तक, तब तक ये चीज़ नहीं आई थी, इसके लिए हम लोग ये चीज़ को सही मानते हैं। तो हाँ भाई, ठीक है, तो एटम जो है वो स्मॉल होल रेशियो में जाएगा। फिर गैलोसेक जी आए थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम सिर्फ गैसेस को लेके चलते हैं तो गैसेस के फॉर्मेशन के लिए हमें इक्वल वॉल्यूम्स चाहिए, ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ओके कंबाइंड अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ओके गिव्स द इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स, ठीक है। फिर बर्जीलियस जी आए, तो बर्जीलियस जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई तुम लोग कहाँ पे, क्योंकि डेल्टन जो है वो कंपाउंड कह रहे, कंपाउंड भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी, और गैलोसेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस पे एम्फसाइज कर रहे थे, तो बर्जीलियस जी ने कहा कि कहाँ तुम दो चीज़ें लेके चल रहे हो, एक काम करते हम जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं जो गैसेस के लिए होना चाहिए, ठीक है, गैसेस के लिए होना चाहिए, और जहाँ पे डेल्टन की थ्योरी भी सेट हो जाए। तो बर्जीलियस जी ने ये कहा कि इक्वल ओके इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइंड अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर, वो सेम रहेगा जिसको हम एसटीपी बोल देते हैं अभी, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कंबाइंस, और आपको क्या मिल रहा है वहां पे, आपको यहाँ पे मिलेगा दे आर कंबाइनिंग विद अ स्मॉल होल रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। बट जैसे अभी आपने पहले पूरा देख लिया कि भाई एटम्स को अगर हम लोग डिक्रीज कर ले, वॉल्यूम को अगर हम कम कर लेते तो एटम जो है वो हाफ में चले जाए, फ्रैक्शन में चले जाए, जो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एवोगाड्रो जी है बोला कि भाई आप लोग ये सब चीज़ों को इतना ज़्यादा उलझाओ मत, ठीक है, हम लोग सिंपल सिंपल बात करें, मेरे को लग रहा है स्पेलिंग गलत है,
ठीक है, अपन सिंपल से बात कर रहे हैं कि भाई जब गैसेस होंगे तो हाँ जी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइंड्स विथ ईच अदर अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोला कि मॉलिक्यूल्स पे एम्फसाइज करो, एटम पे एम्फसाइज मत करो। भाई क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है ठीक है वो वन और मोर देन वन एटम से मिलके बनता है। तो अगर आप मॉलिक्यूल को आधा भी करोगे तो उसमें एटम जो होगा उसके नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, बट एटम आधे नहीं होंगे। मॉलिक्यूल तो वैसे भी दो और दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है, तो इसमें आपकी जो भी थियरी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी कहा उन्होंने ये बोला कि भाई लोग देखो, हम लोग कंबाइन तो कंपाउंड को करते हैं ना, एलिमेंट को करते हैं, हम कभी भी एटम्स को कंबाइन नहीं करते, बिकॉज एटम्स आर इंडिविजिबल, ओके, इंडिस्ट्रक्टिबल और इनविजिबल, तो हम उसको करते ही नहीं है। तो आज अगर तुमने हाथ में कोई भी गैस लिया है या कोई भी सब्सटेंस लिया है तो वो तुम देख पा रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम वॉल्यूम ले रहे हो, तो वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स आएंगे एटम्स आएंगे? उन्हें बोला भाई आएंगे तो मॉलिक्यूल्स ही, क्योंकि बड़ी मात्रा है ना, ज़्यादा मात्रा है। तो अगर हम अगर मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली एटम भी रिड्यूस हो जाएगा, पर बेनिफिट ये होगा कि एटम आधा नहीं होगा, तो जहाँ पे 10 एटम्स होंगे उसकी जगह 5 एटम वहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे। बात समझ आई? तो इस हिसाब से एवोगैड्रो जी ने अपना लॉ दिया था। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आएगी एवोगैड्रो का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था, और लेक्चर कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो को था समझने में टाइम लगेगा। मुझे ये भी बताया कि आपको ये शायद एक और दो बार फिर से रिवाइज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज को उलझा के बताया हुआ है इसके लिए। तो एक दो बार रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो डू कमेंट भी, डू मैसेज भी, मैं ऐसा कुछ हुआ तो इसका एक और वर्जन ठीक है बना दूँगी, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की इसको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, तो भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।